जैसे अभी वो हमारा सरपंच जगदीश फिर मांगने लगे प्रोग्राम, तो मैं हाँ हूं कर दूंगा पर टाल मटोल कर ले जाऊंगा, क्योंकि हमारे भक्त के घर की व्यवस्था, बिजनेस की व्यवस्था भी ठीक रहनी चाहिए, उसका सब कंप्लीट रहेगा। बकानी की पुरुषोत्तम घाटिया 3 साल से प्रोग्राम मांग रहे, बंद कर दिया। क्यों? पेट्रोल पंप लगाया है, 20 ट्रक खरीदे हैं, बसें हैं, किस्तें जा रही हैं, लोन है, कर्जा भी होगा, तो मैंने कहा दूंगा, एक घंटे के लिए जाता हूँ, 2-4 हज़ार में निपट जाता है, तसल्ली हो जाती, बोले बड़ा प्रोग्राम दो। हमने कहा तसल्ली करो, दूसरे को भी करने दो, नंबर आ जाएगा, 2 साल और नहीं दूंगा ऐसा सोचा हूँ, फिर दे दूंगा, जब पेट्रोल पंप का प्रॉफिट आने लगेगा तब प्रोग्राम दे दूंगा। भक्त तो भावुकता में होता है, ये संत को ध्यान देना पड़ेगा, किससे कितनी सेवा लेना है। कभी कभी सेवा के लिए भी रोक दिया जाता है कि अभी रुको, 2 साल बाद शुरू कर, और जो कंजूस है उसको कहा जाता है तुम शुरू करो। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, सदा सत्संगियों में मिल, हमें सेवक बना जाना, सदा सत्संगियों में मिल, हमें सेवक बना जाना। कबीर कहते हैं मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाण न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। हे मानो, तेरे गुण ही तुझे बड़ा बनाते हैं, तू न जाति से बड़ा होता है, न उम्र से बड़ा होता है, न धन से बड़ा होता है, न तू गाड़ी से बड़ा होता है, तू जब बड़ा होता है तो तू तेरे गुणों से बड़ा होता है, तेरे गुण तुझे महान बनाते हैं, तेरे गुण तुझे भगवान भी बनाते हैं, इसलिए तू गुणवान बन ताकि संसार में तेरी पूजा भी हो सके। आपके भीतर अच्छे अच्छे गुण पैदा हो। एक छोटी सी बात बताऊं, शकर में से मिठास निकाल लो तो शकर किसको कहोगे, नमक में नमकीनपन निकाल लो तो नमक का काम खत्म। इसी प्रकार से मनुष्य में मनुष्यता का गुण ना हो तो उसे मनुष्य नहीं कह सकते, मनुष्यता का गुण पैदा करो। एक हलवाई की दुकान में एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, बहुत अच्छी है, सुना दूँ? ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी कहानी है, तुम्हारे लिए शिक्षाप्रद है। एक हलवाई की दुकान में थाल में सजे हुए रसगुल्ला रखे थे। जो ग्राहक आता था ऊंची से ऊंची कीमत देकर रसगुल्ला खरीद लेता था, तो रसगुल्ला को बड़ा अहंकार था कि सब मुझे खरीदते हैं, मैं कितना योग्य हूं, अच्छा हूं। सड़क पर कुछ मजदूर शकर की बोरियां पीठ पर लाद कर जा रहे थे, तो शकर की बोरियों में जो चीनी थी, शकर थी, उस शकर को देख करके रसगुल्ला जोर से हंसा और बोला, ये चीनी बहन, क्या तेरी दुर्दशा है और क्या मेरी इज्जत है।
क्या मेरा सम्मान है, क्या तेरा अपमान है। फैक्ट्री में पकी तू, अंधेरे में गोडाउन में पड़ी रही, बोरियों में बंद हुई, ट्रकों में पटकी लादी गई, उसके बाद मजदूरों की पीठ पर लदकर जा रही, न जाने किस अंधेरी कोठरी में डाल दी जाएगी। और क्या मेरी जिंदगी है, कांच के काउंटर में सज कर थाल में बैठा हूं, ग्राहक हर कीमत देकर मुझको लेना चाहता है, क्या मेरा सम्मान हो रहा है। तो चीनी बहन से रहा ना गया, सहा ना गया। चीनी बहन ने कहा, रसगुल्ले भाई बहुत नाज नखरे से बात ना करो, मैं जब तक तुम्हारे साथ में हूँ तभी तक तुम्हारा नाम रसगुल्ला है, मैं साथ छोड़ दूंगी तो केवल गुल्ला गुल्ला रह जाओगे, रसगुल्ला नहीं। ऐसे सज्जनों, मनुष्य का गुण जब तक तुम्हारे साथ है तब तक ही तुम मनुष्य कहे जाते हो, और मनुष्य का गुण अगर निकल गया तो केवल मनुष्य का शरीर रह जाएगा, बाकी जानवर से कम नहीं हो जाओगे। इसलिए मनुष्यता का गुण कर। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा, जय हो, गाइए, इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे, संकल्प हो इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा। आपके अंदर इंसानियत विकसित हो, प्रेम का फूल खिले, आपका घर सुख शांति की खुशबू से भरा रहे। अपने घर में धीरे बोलना, प्रेम से बोलना, कम बोलना, तौल कर बोलना, कभी आलस्य न करना, सभी कार्यों को फटाफट करना, मेहनत से जी न चुराना, धन्य है तुम्हारा जीवन। सत्संग में तुम डूब गए, महान है डोंगर गांव राजस्थान, धन्य है ये धरा जहाँ पर इतने लोग पधारे। चाणक्य से पूछा गया था, ठीक बात है, कि वे कौन से लोग हैं जिनके घर से लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है, ये बात थी ना, लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है, कंगाल हो जाते हैं, उनमें क्या क्या लक्षण होते हैं। तो चाणक्य कहते हैं उनमें पांच लक्षण होते हैं। पांच बातें ऐसी हैं जो इंसान में आ जाती हैं तो उसके घर से लक्ष्मी असंतुष्ट होकर चल देती है। कौन कौन पांच बातें हैं, चाणक्य कह रहे हैं, कुचेलिनम दंतमलोप धारिणम, बहवासिनम निष्ठुरभाषणम च, सूर्योदये चास्तामिते शयानम विमोच्यति श्रीयदि चक्रपाणिः। नंबर एक, कुचेलिनम, जो मैले वस्त्र पहनता, मैले कपड़े, उसको लक्ष्मी छोड़कर चल देती है। आज प्रार्थना करूंगा मैले वस्त्र कभी मत पहनना, साबुन ना हो पानी में धो लेना, और ये भी कहूंगा कि वस्त्रों को मैला भी ना करना, कहीं कचड़ा हो थोड़ा कपड़े ऊपर उठा लेना, और ये भी निवेदन है
नाक साफ करना तो धोती में मत पहुंचना। अरे कितने लोग सोचते हैं नाक इतनी कीमती है, अलग कैसे फेंके, करोड़ों में नहीं मिलने वाली। अपनी महिलाएं तो साड़ी में चिपका लेती है, फिर मेरे चरण धोती हैं पानी से, उसके बाद उसी साड़ी से पोंछ देती हैं कि ये थोड़ा मसाला तुम भी ले जाओ महाराज। ये सब जगह मिलता नहीं है, स्पेशल फैक्ट्री का मसाला है, ले लो। कितने पुरुष लोग नाक साफ करते हैं तो अपने पीछे पेंट में पोंछ लेते हैं। दूर से बोर्ड चमक रहा है कि पीछे नाक चिपकाई जाती, किसी को और चिपकाना हो या चिपका दो, ये गंदगी मत फैलो। गंदगी रखने वाले को, गंदे कपड़े पहनने वाले को लक्ष्मी छोड़कर चल देती है। सफाई रखना नंबर एक, दंत मलोप धारणम नंबर दो। जिनके दांतों पर मैल जमा रहता है, जो दातून नहीं करते, मुखारी नहीं करते, उनसे भी लक्ष्मी रूठ जाती है और उनके घर को छोड़कर चल देती है। निवेदन करूंगा कि रोज दातून कर लेना, सरसों का तेल और नमक, सफेद नमक लेकर कभी कभी दांत साफ कर देना तो दांतों की बीमारी का भी अंत हो जाएगा। सस्ती दवा बता रहा हूं। और तो मैं आपको सुना रहा था, कुचेलिनम दंत मलोप धारिणम, जो मैले वस्त्र पहनता है, अर्थात जो अपने वस्त्रों में हर तरह का मैल लगाता रहता है, उससे लक्ष्मी रूठ जाती है और उसे छोड़कर चल देती है। इसलिए सदैव साफ वस्त्र पहनना चाहिए। कीमती कम हो कोई बात नहीं, लेकिन साफ सुथरे हो, गंदे वस्त्र मत पहने। नंबर दो, जो अपने दांतों को साफ नहीं रखता है, मुखारी नहीं करता है, उससे लक्ष्मी रूठ कर विदा हो जाती है। नंबर तीन, बहवासिनम, और जो बहुत भोजन खाता है, ठूस ठूस कर खाता है, जिसको देख करके उसकी पत्नी भी तंग हो जाती, कितना खाएगा ये भस्मासुर, कम खाना। कम खाने से तुम कुशाग्र बुद्धि के बनोगे, बहुत ज्यादा खाओगे तो आपकी बुद्धि का स्मरण कम हो जाएगा। बुद्ध घटे बहु भोजन खाए। विद्यार्थियों से निवेदन है, बेटियों से, बेटों से, अगर तुम अपनी स्मृति को बढ़ाना चाहते हो तो दो चीजें ध्यान में रखना, भोजन कम खाना, पानी खूब पीना और ब्रह्मचर्य का पालन कर लेना। सुमिरो पवन कुमार, बुद्धहीन तन जाने के सुमिरो पवन कुमार, और हीरो हीरोइन का ध्यान मत लगाना, कोई संत गुरु का ध्यान करो। पवन कुमार का सुमिरन करने का तात्पर्य है कि हनुमान जी जैसे ब्रह्मचारी थे, ऐसे ब्रह्मचर्य का पालन करो तो तुम्हारी स्मृति बढ़ जाएगी, याद शक्ति बढ़ेगी। विद्यार्थी जीवन तो साधना का जीवन है। विद्यार्थी को ये फिल्मी गीत और ये फूहड़ फिल्में कभी देखना नहीं चाहिए। देखना है तो टीवी में गुरुदेव का प्रवचन देखो, इस कचड़े को दिमाग में मत भरो। भावासिनम निष्ठुर भाषण, चौथी चीज, जो बहुत कठोर बोलता है, निष्ठुर है, कठोर हृदय का, जिसकी वाणी ही बाण है, बोली ही गोली है, उसको भी लक्ष्मी छोड़कर चल देती है। कठोर मत बोलना, मधुर बोलना।
और पांचवी चीज जो सूर्योदय के समय, सूर्यास्त के समय सोता है, सूर्यास्त के समय सोना शरीर में 25 बीमारियों को आमंत्रित करता है। सूर्यास्त के समय ऐसी सूर्य की किरणें और ऐसी हवा चलती है, सोते समय स्वास्थ्य को नष्ट कर देती है, इसलिए सूर्यास्त के समय कभी नहीं सोना चाहिए। कोशिश कीजिए कि सूर्य निकले साथ में तुम भी निकल जाओ। कितने लोग तो ऐसी आदत बिगाड़ लिए हैं कि सूर्य निकले चाहे चांद निकले, चाहे भैंस निकले चाहे घोड़ी निकले, और चाहे पत्नी निकले चाहे मौत हो जाए कोई लाश निकले, पर वो नहीं निकलेंगे, थोथा नाथ सो रहे हैं। इतना नींद के गुलाम मत बनो। 6 घंटे में भी बॉडी तुम्हारी एक्सेप्ट कर सकती है, नींद में पूरी हो सकती है। 16 घंटे भी सो तब भी नींद नहीं जा सकती। सोने के घंटे घटाओ, काम के घंटे बढ़ाओ, आलसी मत बनो। लेकिन ये कहूँगा, जब सोना तो सोना ही, फिर बिस्तर पर लेटे लेटे रजाई के अंदर कुछ मत सोचना। इसमें ज़्यादातर लोग ऐसे बैठे हैं जो दिन में तो काम नहीं करते हैं, जब सोते हैं तो रजाई के अंदर खुड़बुड़ बचाते रहते हैं, न जाने क्या क्या प्लानिंग बनाते हैं, कहते नींद नहीं आ रही, पड़ोस में कोई सोया उसको भी सोने नहीं। निश्चिंत सो जाओ, और नींद कम आती हो उठकर कुर्सी पर बैठ करके धार्मिक ग्रंथ पढ़ो। आज देश के अंदर लोग अशांत क्यों जाता है? पागल हैं लोग, कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ता। रामायण खरीद के रख दिया है, दिवाली की जब सफाई होती तो झाड़ के फिर रख देते, तो बीच में पढ़ते नहीं उसको। गीता को तो बिल्कुल नहीं पढ़ते लोग, बहुत डरते हैं श्लोक से। और कबीर वबीर को तो बिल्कुल, अरे कौन छुट, अखबार बस पढ़ते हैं, 16 पेज का अखबार, एक एक अक्षर। इसलिए मेरे कमरे में कम से कम 25-30 किलो पुस्तकें रहती हैं, सिरहाने विदुर नीति धरी रहती है, लेटे लेटे पढ़ता हूँ। टार्च रखी रहती है, पेन डायरी फिट कंप्लीट सब रखता हूँ, और कुर्सी मेज लगी, हम कुर्सी मेज भी लेकर चलते, साथ में लाते, कहीं छोटी बड़ी मिले हमारा पढ़ना लिखना बंद, ज्यों ही टाइम मिलता खट बस चालू, तुरंत श्लोक बोलता हूँ, प्राप्य पदम क्वचित विथते कदाचिन भूत्वा, आनंद आ जाती है। और मैं संस्कृत केवल 8वीं तक पढ़ा हूँ, और सब वेद शास्त्र श्लोक कड़कड़ कड़कड़ बोलता हूँ, क्योंकि ये तो सब प्रैक्टिस से होता है, डर किस बात का, इंसान ही तो सब पढ़ते हैं। सब याद करो, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करो। आप उपनिषद पढ़िए, देखिए कितनी अच्छी अच्छी कहानियां उसमें हैं, देखो तो पढ़ करके। रामायण की चौपाइयां चूस चूस कर गाओ, एक एक चौपाई में इतना रस है। राम वनवास की चौपाई गाओ तो कब राम बन गए थे, आज गाओगे तो आज भी रोने लग जाओगे, तुलसीदास ने इतना रस भर दिया है, आनंद आ जाएगा। पति पत्नी में प्रेम बढ़ेगा, सास बहू में प्रेम बढ़ेगा रामायण से। ये जितना ज्यादा प्रपंच पढ़ोगे उतना ज्यादा मार कूट घर में होगा। धान तो कोई नहीं कूटेगा, हर स्त्री अपने पति को कूटेगी। गेहूं पीसने की तो जरूरत नहीं, हालर मिल में पीस जाता है, तो हर पति अपने दांत पीसता है पत्नी के ऊपर। ये क्यों इतना गुस्सा आ रहा है, धार्मिक ग्रंथों से वंचित होने के कारण। प्रवचन मोबाइल में डालिए चिप्स, अभी हमारे संत जी ने बताया कि यहाँ चिप्स तैयार होकर व्यवस्था की गई है, 33 घंटे का प्रवचन एक चिप्स में है और 80 भजन उसी में। 200-250 की चिप्स ले लो, डाल दो, जहाँ टाइम मिला खट बटन दबाया। अब मोबाइल में तुमने क्या डाला है, जान जा रही है, खोपड़ी उड़ी जा रही है, ये उल्टा पलटा बातें, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हमारी खोपड़ी भैंस में चली गई। ये सब नौटंकी फालतू बात।
ये मैं जो संत बना हूँ कभी जिंदगी में फिल्मी गीत नहीं गाया हूँ, न सुना हूँ, न एक भी गीत याद है, न कभी फिल्म देखा, इलायची तक नहीं खाया हूँ, बचपन से दिव्य आत्मा। आजकल के लड़के लड़कियाँ सब कान में मोबाइल लगाए हैं, आंखें बंद कान खुला न जाने क्या क्या कचड़ा भर रहे हैं खोपड़ी में। अरे दूर करो इस कचड़े को, सुनो गुरुदेव का प्रवचन, सुधारो अपना आचरण, घर को बनाओ स्वर्ग, स्वयं बनो देवी देवता और जिंदगी का सुख और आनंद प्राप्त।